हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के में छिपा के रखा मेरे प्रियजनों। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्त्री प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, छुटकारा मिला है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सा, दुख सा, दर्द सा, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी गई, उसको दर्द हो रहा था। मेरे प्रियजनों, उसके दर्द को महसूस करो मेरे प्रियजनों। तुम सभी से पाप, गलती, गुनाह हुए हैं, तुम सभी को अपने पापों को, गुनाहों को यीशु मसीह के सामने मानना है, उन्हें छोड़ना है, पश्चाताप करना है, क्योंकि वह महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हमारे आंसुओं को, हमारे दुखों को वो दूर करेगा, हमारी बीमारियों को, तंगी को, परेशानी को यीशु मसीह दूर करने वाला परमेश्वर है, वो दूर करने वाला परमेश्वर है, वो दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, जब दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तंगी में हैं, परेशानी में हैं, यदि आप रो रहे हैं, किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, चिंतित हैं, उदास हैं, निराश हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, उस परमेश्वर से बोलना है, यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पोछेगा, हमारी गरीबी को, हमारी तंगी को, हमारी परेशानी को यीशु मसीह दूर करने वाला परमेश्वर है, वो दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। मेरे प्रियजनों, वो महान पिता है, वो दयालु पिता है। यदि परमेश्वर की इच्छा की ओर से होगा, उसके इच्छा के अनुसार होगा, तो पिता हमें देगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, पुकारना है, चिल्लाना है, गुहारना है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे दुखों को, तेरे रोगों को, तेरी बीमारियों को मैंने अपने ऊपर ले लिया हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हमें जो सजा हमें मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियजनों, उसने इतना दर्द सहा, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, उसके मुंह पर थूका गया, उसको 49 कोड़े लगवाए गए। उन कोड़ों के साथ मेरे प्रियजनों, उसका मांस खींच कर चला आता था, उसके हाथों पीरों में केले की ठोकी गई, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे प्रियजनों, उसके पसली में भाला मारा गया। मेरे प्रियजनों, उसको सिरका पिलाया गया, सिर्फ हमारे कारण, हमारे पाप के कारण। जो सजा हमें मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और हमारा परमेश्वर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया, और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियजनों, वह जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। यीशु मसीह इतना महान है, वो इतना दयालु परमेश्वर है, इतना करुणा निधान परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप संकट संकेती में हैं, तो आज जब कोई यीशु मसीह से करना है, पिता से बोलना है, अपने घुटने टेक के बैठ जाना है और यीशु मसीह से बोलना है, पिता मैं परेशान हूँ, पिता मैं दुख में हूँ, पिता मैं गरीबी में हूँ, पिता मैं टूट चुका हूँ अंदर से किसी बात को लेकर, तो यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोछेगा, आपको टेंशन डिप्रेशन से बाहर लगा। मेरे प्रियजनों, अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने जीवन से हर दुष्ट आत्माओं को डांटना है, हर कराधरा के बंधन को तोड़ना है। यीशु मसीह के नाम से वे बंधन टूट जाएंगे, हर शैतानी बंधन टूट जाएंगे, वे बंधन जल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, अंधकार की शक्तियाँ जल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजन, इस प्राणों को आँख बंद करके आपको पूरा विश्वास के साथ लास्ट तक सुनना है, लास्ट में रिसीव करना है। आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में यीशु मसीह बड़े बड़े काम करेगा, आपके जीवन में समस्या वो चेंजिंग लाएगा, आपके जीवन में समस्या वो बदलाव लाएगा, बरकत लाएगा, आशीष लाएगा। बस हम सभी को यीशु मसीह के सामने पवित्र बने रहना है, धर्मी बने रहना है। मेरे प्रियजनों, जब हमारे जीवन में पाप रहता है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, और हम सभी को भी पवित्र बनने की आवश्यकताएं हैं, पवित्र बनने की आवश्यकताएं हैं। इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता।
मेरे प्रभु आप महान हैं, मेरे पिता आप दयालु हैं, मेरे पिता आप करुणानिधान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा सृष्टिकर्ता मालिक मेरे पिता, मेरे प्रभु जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के अड़ में छिपा के रखा मेरे पिता, इसके लिए पिता यीशु पापा आपका धन्यवाद करते हैं। यश हालेलुया मेरे पिता के नाम, मनुष्यों के पिता, अन्य जाति लोगों के पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया पिता, उद्धार किया, छुटकारा किया यीशु पापा, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, यश हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मेरे परमेश्वर यीशु पापा, जो हम सभी मसीह भाइयों से मेरे पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ़ करे पिता, आप क्षमा करे पिता, क्योंकि मेरे पिता आपके पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं पिता, आप माफ़ करे पिता, आप क्षमा करे पिता, आपका दयाला हाथ पिता हर जन को छू ले मेरे स्वामी, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु मेरे पिता, जो हम सभी मसीह भाइयों से पाप गलती गुनाह हुए पिता माफ करे, अपने लहू से शुद्ध करे पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर पिता पाप में गिर सकता गुनाह में गिर सकता मेरे पिता, आपने कहा है जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके ऊपर दया की जाएगी, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, मेरे परिजनों हम सभी को अपने गुनाहों को, पापों को, अधर्मों को यीशु मसीह से बोलना है, यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करना है अपने पापों से, यीशु मसीह हमारे पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा करेगा, ज्यों का त्यों करना परमेश्वर है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के निशार हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को मिटा दे यीशु मसीह के नाम से, मेरे पिता प्रार्थना करते खास दौर से विनती करते मेरे परमेश्वर पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई अपने मोबाइल पे सुन रहे पिता, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे यीशु मसीह आपके नाम से पिता, जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके मेरे पिता आपके नाम से पिता, ये मसीह भाई आजाद हो जाए, ये चंगे हो जाए, इन्हें कैंसर, गलतियां, रसौलिया, पथरिया, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है मसीह भाई यीशु मसीह, हम चाहते हैं यीशु मसीह आपके नाम से ये चंगे हो जाए, आजाद हो जाए बोलकर आमीन, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, सृष्टिकर्ता मालिक है, मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, मेरे पिता आपके नाम से मांगते प्रभु, आपके नाम से पुकारते मेरे स्वामी, इन तमाम मसीह भाई बहनों के जीवन में सुमसी वो चेंजिंग लाइए पिता, वो बरकत लाइए पिता, वो बदलाव लाइए पिता, मेरे प्रभु किसी के पास मेरे पिता इतना पैसा नहीं पिता कि इतना इलाज करा सके मेरे पिता, आप हर एक जन को छुए पिता, ये आजाद होने पाए पिता, बीमारियों से आजाद होने पाए, सुमसी के सामर्थ्य नाम से रिहा होने पाए, सुमसी के नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए सुमसी के नाम से, मेरे पिता प्रार्थना करते प्रभु, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने नहीं पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता या अन्य जाति से उधार ले रहे हैं पिता, ये उधर उधार ना लेने पाए मेरे परमेश्वर यीशु पापा, ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर पिता वह टूट सकता बिखर सकता, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएंगे, ऐसे इसके दरवाजे यीशु मसीह आपके नाम से मांगते पिता, आपके नाम से ढूंढते खड़खड़ाते इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, पिता ने पवित्र आत्मा दीजिए पिता, इनकी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को समस्या आप दूर करें पिता, इनके हाथ पिता देने ले बनाइए यहोवा जुलाओ मेरे पिता, आपने मुर्दों को जलाए, अंधों को दृष्टि दिया, कुड़िये पाजों को शुद्ध किया, आप यहोवा जुलाओ रहे मेरे पिता, आपने मान आश्चर्य काम किए मेरे पिता, आपके ना कोई तुल्य हो पाया और ना कोई पाएगा इस जगत में पिता, पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु पापा आपको दिया गया है, स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, प्रार्थना करते पिता, जिन मसीह भाई बहनों के पिता घर में लड़ाई झगड़े होते पिता, लड़ाई झगड़े नहीं बंद होते हैं, जो गंदी आत्माएं बदरूह चले, दुष्ट आत्मा इनके घरों में कार्य करती हैं, हर एक जन के अंदर कार्य करते हैं यीशु मसीह के नाम से, वे अंधकार की शक्तियां जल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, गंदी आत्माएं जाएं, वे दुष्ट आत्माएं जाएं इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से पिता, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं पिता, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती प्रभु, उनकी औकात यीशु मसीह आपका चंगाई वाला हाथ, दया वाला हाथ, बहुबली वाला हाथ हर एक जन को छू ले मेरे स्वामी, मेरे पिता प्रार्थना करते जो मसीह भाई बहन रात में नहीं सो पाते पिता, डिनर डर लगता है, भय लगता है प्रभु,
जब लेटे मेरे पिता तब इन्हें सुख की नींद दीजिए पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। मेरे पिता मुझे आशा विश्वास है पिता आपने प्राणों को सुना है। ये छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी मीठे पावन नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन।